लाल किला देश की आन बान शान है। ये वह जगह है जिसके प्रचार पर प्रतिवर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त पर ध्वज फहराया जाता है। ये वही जगह है जिस पर आजादी के बाद सबसे पहला झंडा फहराया गया। लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान है अपूति पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन चैन शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंग आजादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। अमेजिंग फैक्ट अबाउट रेड फोर्ट। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में किले का निर्माण शुरू करवाया जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में किले का उद्घाटन किया गया तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना रखते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था जिसे अंग्रेजों ने जमीन दोज कर दिया था। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम आदमियों के लिए और दिल्ली गेट सरकार के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता है। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया और इसे मुगलों से आजाद करवा दिया। इस कारनामे का सेहरा सरदार भगेल सिंह धालीवाल को जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दरवाजों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दरवाजे की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि लाल किला असलियत में सफेद रंग का बनाया गया था। यह किला पूरी तरह से सफेद रंग के पत्थरों से बना हुआ है जिन्हें चूना पत्थर कहते हैं, लेकिन काफी समय बीतने के बाद इन पत्थरों का रंग बुरी तरह से खराब हो गया था जिसकी वजह से ब्रिटिशों ने इसके ऊपर लाल रंग कर दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।